नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी YouTube चैनल विद्यादीपमां आप सौनुं हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे धोरण 10मो विषय छे हिंदी, तेमां प्रथम सत्रनो पाठ 8मो। आ पाठनुं नाम छे सुधा मूर्ति। आ पाठना स्वाध्यायना संपूर्ण सोल्यूशन आजे आपणे आ विडियोनी अंदर जोवाना छीए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चेनलमां नवा होय तो मारी चेनलने जरूरथी सब्सक्राइब करो, विडियो लाइक करो, शेर करो अने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करो, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો એકમ 8મો। આ એકમનું નામ છે સુધા મૂર્તિ। સ્વાધ્યાય, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે નીચે દિયે ગયે વિકલ્પો મેં સે સહી વિકલ્પ ચુનકર ઉત્તર લખીએ। પ્રશ્ન 1નો પહેલો પ્રશ્ન, સુધા કુલકર્ણીને અપની પઢાઈ किस क्षेत्र में की थी? तो जवाब में आवशे ऑप्शन अ, कम्प्यूटर विज्ञान। त्यार पछी बीजो प्रश्न, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे? तो जवाब में आवशे ऑप्शन अ, टेलको। त्रीजो प्रश्न, विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता है? महिला पुरुष का। चौथो प्रश्न छे, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो जवाब में आवशे ऑप्शन ब, पुना। पांचमो प्रश्न, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 के वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? जवाब में आवशे ऑप्शन क, FM रेडियो। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, टेलको कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो जवाब में आवशे, टेलको कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर के पद के लिए था। बीजो प्रश्न, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? जवाब, विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। त्रीजो प्रश्न, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? जवाब, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात है, इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है, वह इसका डटकर विरोध करेगी। चौथो प्रश्न, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? जवाब, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती, अतः आपको अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। पांचवो प्रश्न, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? जवाब, सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की। छठो प्रश्न छे, इंफोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक से सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? जवाब, इंफोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। सातमो प्रश्न, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? जवाब, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलो प्रश्न, टेलको विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? जवाब, विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेलको टाटा को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरी को आवश्यकता के बारे में था। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। टेलको के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी। बीजो प्रश्न, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? जवाब, सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, वाक्य पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेलको कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगे कि उनकी कंपनी महिलाओं को इस प्रकार का अन्याय कर रही है। त्रीजो प्रश्न, सुधा और नारायण मूर्ति ने इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? जवाब, सुधा और नारायण मूर्ति ने इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए।
उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजना को कार्य रूप दिया। अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराई। अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी और राहत कार्य करवाई। अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरित किए। स्कूली इमारतें बनवाई तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी। चौथा प्रश्न, कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? जवाब, सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर FM रेडियो द्वारा तथा राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? जवाब, साक्षात्कार में काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे और सुधा मूर्ति ने उनके सही सही उत्तर दिए थे, पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी भी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त कर दिया गया। त्यार पछी बीजो प्रश्न, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? तो चलो मैं जवाब लिखियो छे ते जोइए। आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई है। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे। वह पुरुष प्रधान समय था। तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे। इसीलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चय कार्य ही कर सकती है। आज महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीक, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र खुले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। वे कार्यालयों में नियुक्ति से लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियरिंग, नेता आदि सभी रूपों में अपना महत्व सिद्ध कर चुकी है। इसीलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होता तो किसी महिला संगठन से संपर्क कर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित करता, ताकि देश की सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी होती और इस प्रकार के नियोक्ताओं की आंखें खुल जाती। त्रीजो प्रश्न, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? जवाब, सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को टाटा की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और टेल्को में इंजीनियरिंग के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए। परिसर तो तेनो समानार्थी शब्द थसे। प्रांगण मेहनत तो परिश्रम, पुरस्कार तो इनाम, शुरुआत तो तेनो पर्याय शब्द आरंभ, अने सुखा तो तेनो समान शब्द थसे अकाल। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। आवश्यक तो निरर्थक, उपस्थिति तो अनुपस्थिति, अपना तो पराया, अधिकतम तो तेनो विरोधी शब्द न्यूनतम, सौभाग्य तो दुर्भाग्य, सज्जन तो तेनो विरोधी शब्द दुर्जन, अने उच्च तो तेनो विरोधी शब्द थसे निम्न।
प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनाई। अधिक तो अधिकता, आवश्यक तो आवश्यकता, पुरुष तो पौरुषता, सफल तो सफलता, असमान तो असमानता, स्त्री तो स्त्रीत्व। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पेलू छे फूला न समाना, तो तेनो अर्थ से बहुत प्रसन्न होना। तो तेनु वाक्य बनाव्यु छे, बेटा डॉक्टर बना, यह देखकर माँ फूली न समाए। बीजो शब्द बात न पचना, तो तेनो अर्थ से भेद खोल देना। वाक्य, तुम्हें सीता को कोई बात नहीं बतानी चाहिए, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। त्यार पछी प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कहावत का अर्थ समझाइए। दिन दुनी रात चौगुनी, तो आपणे आ कहावत नो अर्थ समझवानो छे। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी कार्य में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो या तरक्की कर रहे हो। जब हम कहते हैं कि वह दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे धोरण 10मो विषय छे हिंदी, तेमां प्रथम सेमेस्टरनो एकम 8मो सुधा मूर्ति, આ એકમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના એકમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું એકમ 9 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।